तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप जरूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज क्या है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वाओ, देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है, डिवाइन दर्शन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, जो आपने यूनिवर्स को कही है, ओके, आपने जो नहीं भी कही है, ओके, जो आपके दिल में इस वक्त है, वो विश यूनिवर्स उसके लिए काम कर रहे हैं। डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू, ओके, डिवाइन काम कर रहे हैं आपको, उसको बार बार परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, है ना। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी और यूनिवर्स डिवाइन उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो यहाँ पे जो पेन आपको इस वक्त मिल रहा है, ओके, जो आप इस वक्त एक ऐसा फेज आपके जीवन से निकल रहा है, ओके, आप ऐसे फेज से निकल रहे हैं जहाँ बहुत टफ सिचुएशन है आपको इस सिचुएशन से इसको हैंडल करना। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके डिवाइन आपके साथ हैं, ओके, आपकी विश यहाँ पे बहुत जल्दी ही ज़रूर फुलफिल होगी। पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, ओके, और ख़ुद को यहाँ पे पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए आप अपना, ओके, रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त जिनसे भी जो भी थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, ओके, आप यहाँ पे एक ऐसे पाथ पर चल रहे हैं, डिवाइन जर्नी पर चल रहे हैं, आप डिवाइन सोल हैं यहाँ पे। जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है, तो व्यूअर्स आप एक बहुत प्योर सोल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड सोल हैं आप, ओके, आप यहाँ माँ के जिन भी रूप को मानते हैं, वहाँ माँ के उन रूप का अंश है यहाँ पे आप, ओके, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आप माँ के जिन भी रूप को मानते हैं तो उन्हीं का अंश है यहाँ पे, ओके, आपको माँ की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जिन से भी थोड़ा बहुत सीखते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द एंड का कार्ड आया है, यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, ओके, कोई एक फेज़ यहाँ पे, अगर आपके जीवन से कोई इंसान, कोई पर्सन या कोई गया है, कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है इस वक्त, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये जो हुआ है या ये जो फेज़ ख़त्म हुआ है या जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं वो फॉर अ टाइम बीइंग है। जो अगर आप सेपरेशन में हैं अपने पर्सन से, यहाँ पे जिन आप किसी पर्सन को अपने माइंड में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये फॉर अ टाइम बीइंग है, आपको इस फेस में परेशान नहीं होना है, अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना है, ओके, अपने आप को ऐसी चीज़ों में लगाएं जहाँ आप खुश रहें, आप नाम जप करें, अपने ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से बातें करें, ओके, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें। और साथ में डिवाइन कहना चाहते हैं बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन कहना चाहते हैं कि एक बहुत ही बहुत बेहतरीन समय आपका यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि ये जो एक पेनफुल फेज था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और जब कुछ ख़त्म होता है तो नई शुरुआत ज़रूर होती है। तो यूनिवर्स डिवाइन आपको कहना चाहते हैं बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहें, आपके जीवन में एक मैजिकल फेज़ यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है और प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। अपने आप को तैयार रखें, ओके, ओपन माइंडेड रहें, एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, ओके व्यूअर्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है पे टाइम। वाओ, देखिए यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं यू रीप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम अगेन एंड अगेन। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो आपने अभी तक गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, जो शुभ कर्म आपने किए हैं, ओके, यहाँ पे आप ऐसी सोल हैं जो हमें दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपने जितने भी गुड कर्मास किए हैं ना, वो उनका शुभ परिणाम यहाँ पे आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलने वाला है।
आप दूसरों के लिए जो अच्छा सोचते हैं एक पॉजिटिव वे में, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो यहाँ पे वो आपके जीवन में अबंडेंस लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है। ओके, आपको ऐसी ऐसी एनर्जी में लेकर आ रहा है कि आप किसी भी नकारात्मकता को खुद ही ख़त्म कर दें। और साथ में अगर आप इस वक्त किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं तो, और लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि डिवाइन आपके साथ है ना, फिर क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं। ये फेज जो है वो एक जिस तरीके से ग्रहण होता है ना, जो कुछ समय के लिए ही होता है, तो वही फेज़ यहाँ पे आया है आपके जीवन में, और ये फेज़ भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि ग्रहण भी कुछ समय के लिए ही आता है, फिर से उसके बाद एक नई नया उजाला, नई शुरुआत ज़रूर होती है। ओके, तो वही नई शुरुआत यहाँ पे आपके जीवन में होने वाली है। और देखिए, जब मैंने नई शुरुआत कहा है तो मैंने 555 देखा है, जो न्यू बिगनिंग के लिए एंजेलिक नंबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके जीवन में नई शुरुआत ज़रूर हो रही है। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी है। और जो मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी है, तो एटर्नल बॉन्ड, देखिए डिवाइन का आपके साथ एक एटर्नल बॉन्ड है, बन चुका है। आप जिस तरीके से ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं आप। ओके, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके जीवन में जो काले घने बादल छाए हुए थे, जो नेगेटिविटी यहाँ पे आपके जीवन में छाई हुई थी, है ना, जो एक फेज यहाँ पे आपके जीवन में ऐसा चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, एक पेनफुल सिचुएशन से आप निकल रहे थे, तो वो सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ओके, क्योंकि आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है पूरी तरीके से, आपने अपनी जर्नी को, अपने पाथ को, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दिया है। ओके, आप इस, और जब आपने किया है ना ऐसा व्यूअर्स, तो यहाँ पे जब आपने ईश्वर को ही सरेंडर कर दिया है, तो ईश्वर ने स्वयं आपके जीवन की कमान को हाथ में लिया है, और जब सृष्टि का विधाता आपके साथ है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। ओके, ये बात आप याद रखिए। इस वक्त हो सकता है इस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या कुछ ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में आ गई हो जो आपके लिए इस वक्त थोड़ा ट्रबलिंग हो सकती है, थोड़ा ट्रिगर का काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आप एक ऐसी सोल हैं जो कभी भी हिम्मत नहीं हारती हैं। आप बार बार गिरे हैं, और जितनी बार गिरे हैं उतनी बार आप एक फिनिक्स की तरह राइज किया है आपने। ओके, अपनी एनर्जीज़ को फिर से उठाया है आपने, फिर से आपने बैलेंस किया है, और जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपकी इस डिटर्मिनेशन से, इतने एफर्ट्स जो आप डाल रहे हैं ना, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप एक ऐसी सोल हैं जो कभी गिव अप नहीं करती है। ओके, और जब आप ऐसी सोल हैं यहाँ पे, तो आपके साथ डिवाइन आपके साथ है। ओके, और जब और यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है ना, वो ज़रूर फुलफिल होगी। ओके, बहुत जल्दी पूरी होगी आपकी जो भी इच्छा है, जिस पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पे डिवाइन आपकी ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ फिर से आने वाली हैं। ओके, आप जो खुशियाँ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, आप उम्मीद खो चुके थे, है ना, उन खुशियों को आप फिर से पाएंगे, वो खुशियाँ आपके जीवन में फिर से आएंगी। यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज यूनिवर्स की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो और आप जो भी कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं व्यूअर्स। ओके, आपको अपना पाथ चेंज नहीं करना है, और उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी से। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग के साथ यूनिवर्स की। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ काली।